हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 8 का वीडियो नंबर 25। तो बेटे, ये 8वीं यूनिट का 25वां वीडियो है, और इससे पहले 24 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 8 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं यूनिट नंबर 8 के एनसीईआरटी के अभ्यास का भाग नंबर 7, और आज हमारे पास यूनिट नंबर 8, यानी यूनिट नंबर 8 का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया। तो रेडॉक्स रिएक्शन वाले यूनिट के हमें एनसीईआरटी के अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 आज सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 13 तक तो हमने कर लिए थे सॉल्व, और आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14 से। आज हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, यहां से करता हूं, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, निम्न अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक थायोसल्फेट, निम्न अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक, इन्होंने दो अभिक्रियाएं दे रखी हैं और उनमें थायोसल्फेट दे रखा है, ऐसे लिख दूं, थायो सल्फेट। निम्न अभिक्रियाओं में एक ही अपचायक थायोसल्फेट आयोडीन तथा ब्रोमीन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया क्यों करता है? थायोसल्फेट, कोमा लगाओ, थायोसल्फेट आयोडीन तथा ब्रोमीन से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया क्यों करता है? इन्होंने कहा है कि हमारे पास अपचायक तो एक ही है, और वो आयोडीन से कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करता है, और ब्रोमीन से कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन भी इन्होंने दे रखा है। देखो, ये है टू एस टू ओ थ्री डबल नेगेटिव, और ये रिएक्शन कर रहा है आयोडीन से, प्लस आई टू, आयोडीन से रिएक्शन करता है। एक तो बनता है एस फोर ओ सिक्स डबल नेगेटिव, और दो बनते हैं आई नेगेटिव। तो आयोडीन से तो ऐसे रिएक्शन करता है, यह है थायोसल्फेट, यह है आयोडीन। तो थायोसल्फेट आयोडीन से तो ऐसे रिएक्शन करता है, और फिर इन्होंने बताया है कि यदि यह ब्रोमीन से रिएक्शन करे, एस टू ओ थ्री डबल नेगेटिव यानी थायोसल्फेट, तो ब्रोमीन से ऐसे करता है, टू बी आर टू प्लस फाइव एच टू ओ, फाइव एच टू ओ इज इक्वल टू टू एस ओ फोर डबल नेगेटिव, सल्फेट के ऊपर दो इकाई ऋण आवेश होता है, प्लस फोर बी आर नेगेटिव प्लस टेन एच पॉजिटिव। तो इनका कहना यह है कि जब अपचायक एक जैसा है, हमारे पास थायो सल्फेट अपचायक है, और यहां आई टू है, यहां बी आर टू है, तो दोनों एक ही वर्ग के, 17वें वर्ग के हैं, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन। तो इनका कहना यह है कि भाई, जब थायोसल्फेट ने आयोडीन से इस तरीके से रिएक्शन की है,
तो थायोसल्फेट ब्रोमीन से भी ऐसे ही रिएक्शन क्यों नहीं करता? इसका क्या कारण है? देखो इसका कारण समझेंगे क्या है। इसका कारण क्या है कि यदि आप आयोडीन, हम कह रहे कि ये अपचायक है, यदि ये अपचायक है ना तो ये आक्सीकारक है आयोडीन, यदि ये अपचायक है ना तो Br2 क्या है? आक्सीकारक। अब आप इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या देखो कितनी होगी, यहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी। यहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2। कैसे होगी देखो, चलो मैं बता देता हूं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहां +2 कैसे है। भाई दो है सल्फर तो 2x, तीन है ऑक्सीजन, 3 × -2 बराबर कुल आवेश कितना है? -2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस, 3 × 6 बराबर माइनस के 2, तो माइनस के 6 उधर जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के 6 हो जाएंगे, ये हो गए प्लस के 6। तो 2x बराबर प्लस के 6 है माइनस के 2, तो +4 और 2 × 4 तो कितनी आई? ऑक्सीकरण संख्या आई +2। इसका मतलब ये है कि यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब देख लो इस जगह, यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी बैठेगी? यहाँ यहाँ बैठेगी +2.5, +2.5 बैठेगी। कैसे बैठेगी? देखो 4 तो है सल्फर, 4x, 6 है ऑक्सीजन, 6 × -2 बराबर माइनस के 2, तो 4x प्लस माइनस माइनस और 6 × 12 इज इक्वल टू माइनस के 2, और ये हो गया 4x बराबर कितने हो जाएंगे बताओ? माइनस के 2 हैं और प्लस के 12 वहां चले गए, तो 4x बराबर प्लस के 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के 10/4, तो 2 × 4 और 2 × 5 = 10, तो ये आ गया +5/2, और 5/2 को तो आप 2.5 कहते हो ना, 5 का आधा कितना होता है? 2.5। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन देखो कितना है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन +2 से +2.5 है। इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 2 से 2.5 हो रही है, और 2 से 2.5 हो रही है तो इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, और यदि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण ही तो हुआ, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो दूसरों के लिए किसका कार्य करता है? अपचायक का। तो जब ही तो यहाँ कहा है कि ये अपचायक है, क्या है? अपचायक। और जब ये अपचायक है तो ये तो ऑक्सीकारक होगा। देखो कैसे होगा मैं बताता हूँ, यहाँ तो I2 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ कितनी है? -1, आवेश से ही पता चल गई -1, तो ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 हुई, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटी है, और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है? अपचयन, और जिसका अपचयन होता है वो दूसरों के लिए किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का। तो यहाँ I2 ऑक्सीकारक है, पर आयोडीन ऑक्सीकारक में सिर्फ इतनी ही हिम्मत है कि वो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +2.5 कर सके। अब देखो यहां तो ऑक्सीकरण संख्या +2 है सल्फर की, अब देख रहे हैं हम दूसरे रिएक्शन को, और यहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या देखना जरा कितनी होगी। सल्फर x प्लस 4 है ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू -2, कितना हो जाएगा? x प्लस माइनस माइनस और 4 × 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 और +8 कितना हो गया बताओ? x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, कितनी है? +6। तो यूं देखो Br की कितनी थी, यहाँ 0 थी और यहाँ कितनी है? -1। तो ऊपर वाले रिएक्शन में ऑक्सीकारक आयोडीन है और नीचे वाले रिएक्शन में ऑक्सीकारक है ब्रोमीन, पर आयोडीन की हिम्मत कितनी थी? आयोडीन सिर्फ ऐसा ऑक्सीकारक था कि जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को +2 से +2.5 तक ही बढ़ा पाया, जबकि ब्रोमीन ऐसा ऑक्सीकारक है कि उसने सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +6 तक बढ़ा दी, देखो +6 तक बढ़ा दी ना। इसका मतलब इन दोनों ऑक्सीकारक में से, आयोडीन में से और ब्रोमीन में से, कौन सा ज्यादा अच्छा ऑक्सीकारक है, ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक कौन है जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को ज्यादा बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को ज्यादा? ब्रोमीन। तो इसलिए
ये जो थायोसल्फेट है हमारा, ये थायोसल्फेट आयोडीन से कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करता है और ब्रोमीन से कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करता है, क्योंकि आयोडीन एक दुर्बल आक्सीकारक है और वो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को +2 से +2.5 तक ही बढ़ा पाता है, जबकि ब्रोमीन एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को +2 से +6 तक बढ़ा देता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसका कारण यहाँ लिख सकते हो आप। ये तो हमने उसी क्वेश्चन के ऊपर ही ऑक्सीकरण संख्या लिख दी और यहाँ से हम इसका आंसर लिख रहे हैं। चलो यहाँ से लिखते हैं आंसर। आयोडीन, आयोडीन एक दुर्बल आक्सीकारक है। आयोडीन एक दुर्बल आक्सीकारक है जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को +2 से +2.5 तक ही बढ़ा पाता है, ठीक है, जबकि दूसरा कौन था ऑक्सीकारक? Br2। ये इसमें तो Br2 था। Br2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। Br2 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या को कहाँ से कहाँ तक चेंज करा इसने? +2 से +6 तक। ऑक्सीकरण संख्या को +2 से +6 तक बढ़ा देता है, +2 से +6 तक बढ़ा देता है। अतः H2O3 डबल नेगेटिव, थायोसल्फेट की तो बात चल रही थी, दोनों के साथ, दोनों माने आयोडीन और ब्रोमीन, दोनों के साथ अलग-अलग प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो दोनों के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्शन करने का कारण यही है। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है, ध्यान रखना है, अपचायक तो दोनों में एक ही है, पर ऑक्सीकारक तो अलग अलग है ना। इसमें दुर्बल ऑक्सीकारक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए वो अपचायक भले ही एक हो पर दोनों के साथ रिएक्शन अलग अलग तरीके से करेगा। जल्दी से पॉज करके लिखो या फिर स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें जो है केवल अपचायक से ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए, हमें यूं भी देखना चाहिए कि दोनों रिएक्शन में ऑक्सीकारक जो हैं वे दोनों ऑक्सीकारक क्या एक ही प्रबलता के हैं। यदि दोनों ऑक्सीकारक एक ही प्रबलता के हैं फिर तो रिएक्शन भी एक ही तरीके से होगी, और यदि दोनों ऑक्सीकारकों की प्रबलता अलग अलग है तो रिएक्शन का होने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो प्रबल ऑक्सीकारक है वो कोशिश करेगा ऑक्सीकरण संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें क्वेश्चन में कहा है, अभिक्रिया देते हुए सिद्ध कीजिए कि हेलोजनों में F2 श्रेष्ठ ऑक्सीकारक। अभिक्रियाएं देते हुए, ध्यान से समझिए जरा मैं क्या लिख रहा, देते हुए सिद्ध
क्या सिद्ध कीजिए कि एफ टू यानी फ्लोरीन श्रेष्ठ, क्या लिखा, एफ टू श्रेष्ठ ऑक्सीकारक, श्रेष्ठ ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एफ टू श्रेष्ठ ऑक्सीकारक तथा एच एक्स में एच आई श्रेष्ठ अपचायक है तथा हाइड्रोजन हैलाइडो में, हाइड्रोजन हैलाइडो कैसे कह सकते हो आप इन्हें, एच एक्स में एच आई श्रेष्ठ क्या है, अपचायक, श्रेष्ठ अपचायक है, श्रेष्ठ अपचायक है। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है, कर देंगे हम सिद्ध। देखो इन्होंने कहा कि रिएक्शन के बेस पे सिद्ध करो, हमें बताना है कि F2 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है सब में। देखो वैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान से समझियो, F2 कह दो या F कह दो, यदि आप ग्रुप नंबर 17 को चेक करोगे, 17वें ग्रुप को जिसे आप कहते हो हैलोजन, तो इसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एस्टिडीन है नीचे। अब यदि मैं आपको यूं कहूं कि भाई इनमें से विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है विद्युत ऋणात्मकता, और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है तो इसकी आदत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सबसे ज्यादा है। यदि मैं कहूं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को सबसे प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो आप कहोगे कि सर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को सबसे प्रबलता से आकर्षित करेगा। तो ये सबसे प्रबलता से आकर्षित कर रहा है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने के चांस ज्यादा हैं, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इसका अपचयन सबसे अच्छा होगा, इसका अपचयन सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन, तो सबसे अच्छा अपचयन फ्लोरीन का होगा, और जिसका अपचयन सबसे अच्छा होता है ना वही सबसे अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक, वही सबसे अच्छा क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो हम विद्युत ऋणात्मकता या आवर्त सारणी या वर्ग के आधार पर भी डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से लेगा इसका अपचयन उतनी आसानी से होगा, और जिसका अपचयन जितनी आसानी से होगा वो ऑक्सीकारक उतना ही बढ़िया होगा। तो सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक तो फ्लोरीन है, यहाँ से भी पता चल रहा। अब आ जाओ आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी, क्लास 10th में भी आपने पढ़ी थी। विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप चेक करते हो ना, और ए धातुओं को चेक करते हो, तो सबसे नीचे आपको ये मिलेगा, इनकी बात करूंगा सिर्फ इनकी, हालांकि बीच में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, पर F2 सबसे नीचे है, F2 से ऊपर है Cl2, और Cl2 से ऊपर कहीं आपको Br2 मिलेगा, और उससे ऊपर कहीं I2 मिलेगा जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी चेक करोगे। इसका मतलब ये है कि यदि आप इन सारे हेलोजनों को देखो तो हेलोजनों में F2 सबसे नीचे रखा हुआ है, इसका मतलब इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा है, और जिसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव इधर को जो E0 है ना, E0 उसका वैल्यू बढ़ता है इधर को, इन चारों में मानक इलेक्ट्रॉन विभव इसका सबसे कम होगा, ब्रोमीन का ज्यादा, ब्रोमीन से भी ज्यादा क्लोरीन का होगा, और सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का। ये छोटे की तरफ एक लड्डू, बड़े की तरफ दो लड्डू, ये मैंने ग्रेटर देन स्मॉलर देन के निशान लगाए हैं। तो जब चारों में मानक इलेक्ट्रॉन विभव फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए तो फ्लोरीन को विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे रख रखा है, और जब फ्लोरीन सबसे नीचे रखा हुआ है तो साफ बात है कि ये सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो आप आवर्त सारणी में वर्ग 17 में विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर भी देखोगे तब भी पता चलेगा सबसे अच्छा ऑक्सीकारक फ्लोरीन है, और यदि विद्युत रासायनिक श्रेणी चेक करोगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में भी आपको फ्लोरीन सबसे नीचे मिलेगा, इसका मतलब इसका मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रॉन विभव सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यहां से भी पता चल रहा कि सबसे अच्छा ऑक्सीकारक क्या है, F2 है। ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो इन दो तरीके से तो हम समझ गए, चलो ये तो हमने पहले भी समझे होंगे, पर ये यूं कह रहे कि रिएक्शन करके दिखाओ, आप रिएक्शन के आधार पर बताओ। तो यदि रिएक्शन करके बताना तो एक काम कर लेना, पहला फैक्ट तो यहाँ क्लियर करेंगे कि
फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। हमने क्या करा, फ्लोरीन का रिएक्शन करा दिया किसी भी HX के साथ, किसी भी HX के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे ना, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, X का मतलब Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी, I2 भी। X का मतलब बिल्कुल भी F2 नहीं लेना है, क्योंकि F2 तो रिएक्शन कर रहा, X का मतलब Cl2, Br2, I2, यानी या तो यहाँ Cl होना चाहिए, या तो यहाँ Br होना चाहिए, या तो यहाँ I होना चाहिए। तो जब आप इस रिएक्शन को करोगे तो होगा क्या, ये फ्लोरीन इसे हटा देगा, यहाँ से हटा देगा, तो क्या बन जाएगा, 2HF, और ये दोनों X यहाँ से निकलेंगे तो X2 निकलेगा साथ में। इस रिएक्शन में ध्यान रखना है कि जो हमने X लिया है ना, ये X, X का मतलब क्या बताया मैंने, या तो Cl होगा यहाँ, या तो Br होगा, और या तो I होगा। तो इससे एक बात पता चली कि भाई फ्लोरीन ने, इसे चाहिए X Cl था या Br था या I था, उसे हटा दिया उसकी जगह से। इसका मतलब फ्लोरीन ने X का, HX का क्या कर दिया, क्या कर दिया, इसे यहां से हटा दिया, तो इसका ऑक्सीकरण कर दिया। कैसे कर दिया, देखो मैं स्पष्ट करता हूं इस बात को। यहां F2 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, जीरो। यहां देखो, यहां -1 नहीं होगी इसकी, तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या घट नहीं गई। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई उसका क्या हुआ, उसका अपचयन हुआ। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट गई उसका क्या हुआ, अपचयन। और जब इसका अपचयन हुआ तो इसने दूसरे का तो ऑक्सीकरण ही करा होगा, तो इसका मतलब ये एक ऑक्सीकारक है, इससे भी प्रबल। देखो इसका ऑक्सीकरण कर दिया, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या हेलोजन की -1 थी, चाहे वो एक्स इनमें से कोई सा भी है, और यहाँ देखियो जरा, जीरो नहीं होगी क्या ऑक्सीकरण संख्या उसकी, तो -1 से जीरो हुई, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो इसका मतलब फ्लोरीन ने इस हेलोजन का ऑक्सीकरण कर दिया। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन क्लोरीन का भी ऑक्सीकरण कर सकता है, फ्लोरीन ब्रोमीन का भी ऑक्सीकरण कर सकता है, फ्लोरीन आयोडीन का भी ऑक्सीकरण कर सकता है। जब फ्लोरीन इन सबका ऑक्सीकरण कर सकता है, इसका मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन है चारों में, क्योंकि फ्लोरीन इसका भी, इसका भी, इसका भी, तीनों का ऑक्सीकरण कर देगा। एक्स की जगह चाहे इसे रख के देख लियो, चाहे इसे रख के देख लियो, चाहे इसे रख के देख लियो, तीनों का ऑक्सीकरण कर देगा। इसका मतलब सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। अब यदि मैं कहूं आपसे कि यार इस रिएक्शन को देखो, X2, X2 का मतलब या तो Cl2 है, या तो Br2 है, या तो I2 है। इसका रिएक्शन यदि आप 2HF के साथ कराओ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, तो आप एक बात देखोगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हालांकि इस रिएक्शन को आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, यहां रिएक्शन हुआ ही नहीं है। और रिएक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ना तो क्लोरीन में इतनी हिम्मत है, ना तो क्लोरीन में इतनी हिम्मत है कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण कर दे, ना तो ब्रोमीन में इतनी हिम्मत है, और ना ही आयोडीन में इतनी हिम्मत है कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण कर दे। यहाँ एक बात आपको समझनी है कि यहाँ जो हमने X2 लिखे हैं ना, X2 का मतलब यहाँ या तो हम लेंगे Cl2, या तो हम लेंगे Br2, और या तो लेंगे हम I2। बताओ समझ में आ रही क्या बात। इससे हमें एक बात पता चली कि भाई फ्लोरीन तो कोई से भी हेलोजन का ऑक्सीकरण कर देगा, पर किसी और हेलोजन के बस का नहीं है कि वो फ्लोरीन का ऑक्सीकरण कर दे। ठीक है, तो हमें इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ, हालांकि ये बात तो पूछी नहीं थी, पर आप लिख सकते हो ऑक्सीकारक अक्षमता, ऑक्सीकारक अक्षमता। यदि आप ऑक्सीकारक अक्षमता लिखना चाहते हो ना, तो लिख सकते हो कैसे, ऑक्सीकारक अक्षमता ऐसे लिखोगे, F2 सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है, Cl2 उससे कम, Br2 उससे भी कम, और I2 की ऑक्सीकारक अक्षमता सबसे कम है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आप इसे अणुओं के रूप में नहीं दिखाना चाहते, तो ऐसे लिख दो FCl Br और I, ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा लिखा हुआ। तो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक कौन हुआ, फ्लोरीन हुआ। ठीक है, अब इन्होंने हमारे से यूं भी तो पूछा कि हाइड्रोजन हैलाइड में HI श्रेष्ठ अपचायक है, हाइड्रोजन हैलाइड में HI क्या है, श्रेष्ठ अपचायक। इसे भी चलो सिद्ध करते हैं, पहले पोज करके लिख लो, आप पोज करके लिख लो, लिख लिया। ठीक है, तो अब हमें देखना है हाइड्रोजन हैलाइड जितने होते हैं ना, जैसे HF,
एच एक्स का, एच एक्स संकेत तो कॉमनली यूज करते हैं हम, एच एक्स। एच एक्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। इनमें हमें सिद्ध करना है कि एच आई सबसे अच्छा क्या है, अपचायक। एच आई सबसे अच्छा अपचायक है। तो सेकंड पार्ट था इसका, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, हमें इसमें बताना था कि एच आई सबसे अच्छा अपचायक है। अब देखो एक बात बताऊंगा आपको, यदि आप ग्रुप नंबर 17 में जाते हो, तो ग्रुप नंबर 17 में एफ सी एल बी आर और आई ये हैं, ठीक है। यदि मैं कहूं कि हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बनेगा, सी इसका भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, इसका भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, इसका भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये वाला बॉन्ड तो छोटा सा बनाया, इतना बड़ा बना दिया। इसका रीजन ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है ना, इसके पास तो दो कक्षाएं हैं, इस पे तीन है, इस पे चार है, इस पे पांच है। भाई हाइड्रोजन का साइज तो सेम रहेगा, पर हेलोजनों के साइज में तो डिफरेंस आ रहा ना, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा। सबसे बड़ा आयोडीन है, इसका मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन का बीच का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ भी ज्यादा होगी, सबसे बड़ा बॉन्ड इसलिए तो बनाया मैंने एचआई का। और जब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड तो कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो ये जो एच पॉजिटिव आयन है वो जल्दी मिलेगा दूसरों को, और एच आई सबसे आसानी से एच पॉजिटिव आयन दूसरों को दे देता है। इसका मतलब ये सबसे अच्छा अपचायक है, अपचायक वो है जो दूसरों को एच पॉजिटिव आयन दे सके आसानी से। जो स्पीसीज जितनी आसानी से दूसरों को एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करा सकती है, उस स्पीसीज को मैं कहूंगा वो उतना अच्छा अपचायक है। और एच पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करा रही तो आप यूं भी कह सकते हो कि उतना अच्छा एसिड है, सबसे अच्छा एसिड भी यही होगा। यदि कोई मेरे से पूछे एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, ये चारों अम्ल हैं, इन चारों अम्ल में सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल बताओ कौन सा होगा, तो कुछ बच्चों ने तो याद कर रखा होगा कि एच सी एल एक प्रबल अम्ल होता है, पर आपको यहां समझना कि एच सी एल से भी ज्यादा प्रबल अम्ल एच बी आर है, और एच बी आर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड एच आई है, क्योंकि एच आई जो है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो एच पॉजिटिव आयन का रिलीज होना ज्यादा आसान है। तो आप इस आधार पे भी देखोगे ना आवर्त सारणी में, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एच आई है वो सबसे अच्छा अपचायक होगा। पर इन्होंने यदि हम बताएं इस चीज को कि एच एक्स की अपचायक क्षमता, एच एक्स की अपचायक क्षमता का क्रम बताएं, क्षमता का क्रम, तो अभी मैंने आपको जो आवर्त सारणी से समझाया उसमें आपको एक बात समझ आई होगी कि यदि एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई आपके सामने लिखे हुए तो सबसे प्रबल अपचायक एच आई है, निशान ऐसा लगना चाहिए, और फिर एच बी आर है, फिर एच सी एल है, और सबसे कमजोर अपचायक कौन है, एच एफ, ठीक है। अब देखो उन्होंने तो यूं कहा था अभिक्रिया के आधार पर समझाओ, तो अभिक्रिया के आधार पर यदि आपको समझाना है तो इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो कि आपके पास 2HF था हाइड्रोजन फ्लोराइड, और हाइड्रोजन फ्लोराइड का रिएक्शन आपने H2SO4 से करना चाहा, H2SO4, इसके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करना चाहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नो रिएक्शन, रिएक्शन हुआ ही नहीं है, इसका मतलब एच एफ एच टू एस ओ फोर का अपचयन नहीं कर पाया है। और यदि यही रिएक्शन आप एच आई के साथ कराओगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करा दो आप एच टू एस ओ फोर के साथ, एच टू एस ओ फोर के साथ आप रिएक्शन करा दो, तो रिएक्शन कराने से क्या होगा, एक तो एस ओ टू बनेगा, यहाँ रिएक्शन हो जाएगी, एक बनेगा आई टू और दो बनेंगे जल के अणु। अब इस रिएक्शन में देख लो ध्यान से, ऊपर तो रिएक्शन हुई नहीं थी, जब किसका नंबर था एच एफ का, इसका मतलब एच एफ एस टू एस ओ फोर का अपचयन नहीं कर पाया, जबकि एच आई ने एस टू एस ओ फोर का अपचयन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एच आई एक प्रबल आक्सीकारक, सॉरी अपचायक है, क्या है, अपचायक। देखो यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, चार ऑक्सीजन है भाई, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की होती है प्लस वन, सल्फर की एक्स मान ली हमने, प्लस चार हैं ऑक्सीजन -2 वाले इज इक्वल टू 0, तो ये हो गए प्लस के दो, प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस, और 4 दूनी 8 बराबर 0।
तो ये माइनस के 8 हैं, प्लस के 2 हैं, माइनस के 8 प्लस के 2 तो कितने हो गए, माइनस के 6, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस के 6। तो इसका मतलब यहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 है। और यहाँ देखियो जरा भाई, माइनस के 2 होती है ऑक्सीजन की, पर कितने ऑक्सीजन है, ये 2, तो माइनस के 4 हो जाएगी। और माइनस के 4 को कैंसिल करने के लिए सल्फर को कितना होना पड़ेगा, प्लस के 4। ये तो सीधा है बिल्कुल। तो बताओ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 6 से प्लस 4 नहीं हुई क्या, या फिर यूं कह दो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या घटी नहीं क्या, घटी ना। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यदि घटी है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या घटी है, तो इसका मतलब H2SO4 का SO2 में अपचयन कर दिया। किसने करा, HI ने। क्या HF ऐसा कर पा रहा था, नहीं। इसका मतलब HI सबसे प्रबल अपचायक है, क्योंकि इसने H2SO4 का अपचयन SO2 में कर दिया, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या घटा के प्लस 6 से प्लस 4 कर दी। जबकि HCl भी ऐसा नहीं कर पाएगा, ना तो ये कर पाएगा ना तो ये कर सकता है थोड़ा बहुत, पर सबसे बढ़िया रिएक्शन ये करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से पॉज करके लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 16 लिख लिया बेटे, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही है सारे क्वेश्चन, सारे के सारे ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही आपको इन्हें सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब कौन सा है, 16, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में कहा है XeO6 4 नेगेटिव। चलो यहां से लिखता हूं XeO6 4 नेगेटिव प्लस 2F नेगेटिव, ध्यान से देख लेना रिएक्शन को, 2F नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव, 6H पॉजिटिव इज इक्वल टू XeO3 प्लस F2 प्लस 3H2O। अभिक्रिया क्यों होती है ये कैसा क्वेश्चन है, अभिक्रिया क्यों भाई इसकी मर्जी है, क्यों होती है, मतलब ये अभिक्रिया होती क्यों है, क्यों होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए भाई, इस अभिक्रिया की मर्जी है, होनी तो होनी। देखो चलो देखते हैं कि ये अभिक्रिया क्यों होती है, मतलब पहले तो पता चलेगा कारण इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख लो मुख्य तत्वों की। यहाँ XE की ऑक्सीकरण संख्या जब आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगी प्लस एट आ जाएगी, निकाल लोगे ना। XE की कितनी है, X मान ली हमने 6 है, ऑक्सीजन माइनस 2 वाले इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस के 4 लिखेंगे ना, तो X प्लस माइनस माइनस और 6 दूनी 12 इज इक्वल टू माइनस के 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4, इधर आगे प्लस के 12 हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे बताओ, 12 में से 4 गए 8, प्लस के 8 बचेंगे ना, इसलिए लिखा मैंने प्लस के 8 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, प्लस 8 है। अच्छा एफ की ऑक्सीकरण संख्या तो आपको यहाँ साफ पता चल रही होगी, किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, यहाँ भी पता चल रही होगी ऑक्सीजन की माइनस 2 होती है, 3 ऑक्सीजन है तो तीनों की मिला के 3 दूनी 6 माइनस की 6 हो जाएगी, और माइनस के 6 को ख़त्म करने के लिए इसे होना पड़ेगा प्लस के 6, और ये अकेला है तो 0। अब देखो यहाँ आप देखो XE की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 8 से प्लस 6 हुई, इसका मतलब XE की ऑक्सीकरण संख्या क्या हुई है, घटी है। और XE की ऑक्सीकरण संख्या घटी है तो XeO6 का क्या हुआ है, XeO6 का हुआ है अपचयन। चलो मैं यहां लिख देता हूं XeO6 ऑक्सीकरण संख्या प्लस 8 से प्लस 6 घटी है तो इसका हुआ है अपचयन, क्या हुआ है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है ना वो कार्य करता है ऑक्सीकारक का, तो यहां ये ऑक्सीकारक है, कौन है ऑक्सीकारक, XeO6 4 नेगेटिव, XeO6 4 नेगेटिव जरूर लिखना इसके ऊपर, ठीक है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या घटी है तो इसका अपचयन हुआ है,
और जिसका अपचयन हुआ है वो किसका काम करेगा, आक्सीकारक का। अब इसे देख लो, एफ नेगेटिव हो, एफ नेगेटिव, आक्सीकरण संख्या माइनस वन से जीरो, बढ़ी है, बढ़ी है तो इसका हुआ है आक्सीकरण, जिसकी आक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसका होता है आक्सीकरण, और जिसका आक्सीकरण होता है वो कार्य करता है अपचायक का। अब देखो बड़ी अजीब बात है यहाँ, यहाँ बहुत अजीब बात, पता क्या है ये, पता क्यों पूछ रहे थे कि अभिक्रिया क्यों होती है, इसलिए पूछ रहे थे कि भाई XCO64 नेगेटिव ये भी एक आक्सीकारक है और फ्लोरीन भी तो एक आक्सीकारक है। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के नहीं आ रहे क्या, हम पढ़ के आ रहे कि फ्लोरीन आक्सीकारक है, और जब फ्लोरीन आक्सीकारक है तो फ्लोरीन भी प्रयास करेगा कि मैं आक्सीकरण करूंगा इसका, और ये प्रयास कर रहा कि मैं आक्सीकरण करूंगा इसका। पर यदि दोनों का कंपैरिजन करोगे ना आप, XCO64 नेगेटिव का और फ्लोरीन का, तो आपको पता चलेगा कि XCO64 नेगेटिव जो है ना वो फ्लोरीन के अपेक्षा एक प्रबल आक्सीकारक है। फ्लोरीन भी एक प्रबल आक्सीकारक है, पर ये फ्लोरीन से भी ज्यादा प्रबल आक्सीकारक है, और फ्लोरीन से ज्यादा प्रबल आक्सीकारक है, इसका मतलब फ्लोरीन का कर देगा आक्सीकरण और फ्लोरीन मजबूरी में अपचायक का काम करेगा, इसलिए होती है ये रिएक्शन। यदि इन दोनों की आक्सीकारक क्षमता बराबर होती ना इन दोनों की, तो फिर तो रिएक्शन के होने के चांस थे ही नहीं, बिल्कुल भी चांस नहीं थे। तो इसीलिए तो क्वेश्चन बना है कि अभिक्रिया क्यों होती है, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया इसलिए होती है, यह अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि क्योंकि XeO64 नेगेटिव, ये जो XeO64 नेगेटिव है ना, ये सोडियम साल्ट का एक आयन है। किसका आयन है, देखो 4 नेगेटिव है ना, तो किसका आयन है मैं बताता हूं, Na4XeO6, इसका आयन है ये, इस साल्ट का आयन है Na4। 4 नेगेटिव चार्ज देके Na4 लिखा मैंने यहाँ, Na4XeO6। यह अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि XeO64 नेगेटिव क्या है, F2 की अपेक्षा, फ्लोरीन की अपेक्षा एक प्रबल आक्सीकारक है, एक प्रबल आक्सीकारक है, यानी फ्लोरीन का क्या कर देता है, फ्लोरीन का कर दिया आक्सीकरण, जो दूसरों का आक्सीकरण करता था ना उसका ही आक्सीकरण कर दिया, ठीक है। एक कहावत आपने सुनी होगी, चोबे चले छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे, चोबे चले छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे, वो कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 16। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमने कर लिया, पोज करके लिखो, लिख लिया बेटे, ठीक है। मतलब सारा खेल ऑक्सीकरण संख्या का ही है भाई, यदि आप ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन को पहचान लेते हो तो आप पहचान लेते हो कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, और यदि आपने यूं पहचान लिया कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ, तो आप ये भी पहचान लोगे कि कौन आक्सीकारक है कौन अपचायक है। जिसका आक्सीकरण होता है ना खुद का, वो दूसरों के लिए तो अपचायक ही होता है ना, और जिसका खुद का अपचयन होता है वो दूसरों के लिए क्या होता है, आक्सीकारक। और जब ये बातें आपको पता चल जाएंगी तो फिर आप क्वेश्चन की जड़ तक पहुंच जाओगे बिल्कुल, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन भी तो देखना अभी, क्वेश्चन नंबर 17। बातें तो होती रहती हैं बीच बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न अभिक्रिया के आधार पर Ag पॉजिटिव व Cu डबल पॉजिटिव के व्यवहार के विषय में निष्कर्ष निकालिए। निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर, निम्न अभिक्रियाओं के आधार पर Ag पॉजिटिव व Cu डबल पॉजिटिव के व्यवहार के विषय में
किसके विषय में? व्यवहार, बिहेवियर के व्यवहार। देखना जरा सही लिखा ना, के व्यवहार, व्यवहार ऐसे, के विषय में, के विषय में निष्कर्ष, निष्कर्ष दीजिए या निष्कर्ष निकालिए भी लिख सकते हो आप। रिएक्शंस दे रखी हैं इन्होंने कुछ, उन रिएक्शंस से आपको बताना है कि ए जी पॉजिटिव और सी यू डबल पॉजिटिव का नेचर कैसा है। इन्होंने पहला रिएक्शन दे रखा है H3PO2, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखता हूँ, बड़े बड़े रिएक्शन हैं सारे, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, रिएक्शन भले कितने बड़े हों। पहला रिएक्शन इन्होंने दे रखा H3PO2 प्लस 4AgNO3 प्लस 4AgNO3 प्लस 2H2O प्लस 2H2O इज इक्वल टू H3PO4। H3PO4 तो एक बना, प्लस 4AG एक बना, 4AG प्लस एक बना 4HNO3। एक तो रिएक्शन ये दे रखा है इन्होंने, और एक रिएक्शन इन्होंने दे रखा है नंबर सेकंड पर, नंबर सेकंड पर दे रखा है H3PO2 प्लस 2CuSO4 प्लस 2H2O इज इक्वल टू H3PO4 प्लस 2Cu प्लस H2SO4। एक रिएक्शन ये दे रखा, और एक और है देखो, और भी रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर तीन, तीसरा रिएक्शन क्या है? तीसरा रिएक्शन है C6H5CHO। क्या है ये? बेंजल डीआईड है, प्लस 2AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस और एक पॉजिटिव चार्ज प्लस 3OH नेगेटिव इज इक्वल टू C6H5CO negative प्लस 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। देख लो दिखाई दे रहा क्या यहाँ तक? और एक नंबर चार पे रिएक्शन हो रहे हैं, नंबर चार, चौथे नंबर पे रिएक्शन इन्होंने दिया C6H5CHO। दुनिया भर के रिएक्शन दे दिए भाई, C6H5CHO प्लस 2Cu डबल पॉजिटिव प्लस 5OH नेगेटिव इज इक्वल टू नो रिएक्शन या नो चेंज। ठीक है, तो ये यूं पूछ रहे कि एक तो एजी पॉजिटिव का नेचर बता दो आप हमें इन रिएक्शंस को देख के, और एक नेचर बता दो आप सी यू डबल पॉजिटिव का। यहाँ से लिखेंगे चलो इसका आंसर, देखो कितना आसान सवाल है। आपको नेचर चेक करना, तो नेचर व्यवहार का मतलब ये पूछ रहे कि इनमें से कौन सा आक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है। यदि दोनों आक्सीकारक हैं तो ज़्यादा बढ़िया आक्सीकारक कौन सा है, एजी पॉजिटिव है या सी डबल डबल पॉजिटिव है। और यदि कह रहे कि दोनों यदि अपचायक हैं तो कौन सा ज़्यादा अच्छा अपचायक है, एजी पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा अपचायक होगा या सी यू डबल पॉजिटिव। बस व्यवहार से मतलब यही है कि इन्हें ये जो दोनों चीज़ है ना, एजी पॉजिटिव और सी यू डबल पॉजिटिव, इनके बारे में पता लगाना कि इनमें से कौन सा आक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, या तो यूँ बता दो। और यदि ये दोनों ही आक्सीकारक है तो यूँ बता दो कि दोनों में से कौन सा अच्छा है।
और यदि दोनों उपचायक हैं तो यूं बता दो कौन सा अच्छा उपचायक है, काम कर दोगे, बस यही है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। देखो आप H3PO2, ये H3PO2 है, Ag के बारे में ही बात कर रहे हैं। चलो NO3 के ऊपर एक इकाई ऋणावेश होता है, तो Ag के ऊपर एक इकाई धनावेश, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी और यहाँ Ag अकेला तो 0, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट गई। और यदि ऑक्सीकरण संख्या घटी तो इसकी तो बढ़ाई होगी, इसने पक्का है H3PO2 को H3PO4 में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई होगी, कितनी बढ़ गई लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यूं देखो कि भाई Ag पॉजिटिव ने, Ag एक इकाई धनावेश वाले Ag ने H3PO2 का ऑक्सीकरण H3PO4 में कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण संख्या लिख के देख लियो बढ़ रही होगी। और यदि आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखते तो यूं देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 4 नहीं हो गए क्या ऑक्सीजन? जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ऑक्सीकरण तो हुआ ही होगा, बताओ हुआ होगा या नहीं? हुआ होगा ना। तो इसका मतलब Ag पॉजिटिव ने H3PO2 का ऑक्सीकरण H3PO4 में कर दिया। अब आई बात इसकी, SO4 के ऊपर 2 इकाई ऋणावेश होता है, इसका मतलब इसकी पूरे की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो कॉपर की कितनी होगी भाई फिर? +2 होगी, और यहाँ कॉपर अकेला तो कितनी होगी? 0। तो यहाँ इसकी +2 से 0 हुई, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा, इसका मतलब ये ऑक्सीकारक है, इसने भी H3PO2 का ऑक्सीकरण H3PO4 में कर दिया। तो सिल्वर ने H3PO2 का ऑक्सीकरण H3PO4 में कर दिया, तो कॉपर ने भी H3PO2 का ऑक्सीकरण H3PO4 में कर दिया। इससे एक बात स्पष्ट होगी कि ये दोनों दूसरों का ऑक्सीकरण कर रहे, तो दोनों ऑक्सीकारक हैं। स्पष्ट होगी बात, दोनों क्या है? ऑक्सीकारक। अब देखो यहां, यहां Ag की ऑक्सीकरण संख्या +1 है और यहां Ag की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, इसका मतलब ये जो बेंजल डिहाइड है ना, बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण Ag ने बेंजोइक एसिड में कर दिया। यहां Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, आवेश से पता चल रहा और रिएक्शन ही नहीं हुई, इसका मतलब Ag पॉजिटिव ने तो बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण बेंजोइक एसिड में कर दिया, पर Cu डबल पॉजिटिव बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण नहीं कर पाया। भाई जब Ag पॉजिटिव ने H3PO2 का ऑक्सीकरण कर दिया था, तो Cu डबल पॉजिटिव ने भी H3PO2 का ऑक्सीकरण कर दिया था, पर Ag पॉजिटिव बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण तो कर देता है, पर Cu डबल पॉजिटिव नहीं कर सकता बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण। तो पहले दो रिएक्शन से तो यूं पता चला कि भाई Ag पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव दोनों ही ऑक्सीकारक हैं, पर दूसरे दो रिएक्शन से पता चला कि इनमें से बढ़िया ऑक्सीकारक कौन है? Ag पॉजिटिव है, क्योंकि वो बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देता है बेंजोइक एसिड में, जबकि Cu डबल पॉजिटिव इतना अच्छा ऑक्सीकारक नहीं है, किसके मुकाबले? Ag पॉजिटिव के। बताओ निष्कर्ष निकल गया ना? निकल गया, ठीक है। तो देखो जरा यहां से लिख रहा हूं, Ag पॉजिटिव कोमा, क्या है ये? H3PO2 वे H3PO2 का तो इसमें कर दिया ऑक्सीकरण, और Ag पॉजिटिव ने इसका भी कर दिया, C6H5CHO दोनों का कर दिया था ना। Ag पॉजिटिव H3PO2 वे C6H5CHO दोनों का क्या कर देता है? ऑक्सीकरण। दोनों का ऑक्सीकरण किस किस में कर देता है ये भी लिख सकते हो आप, दोनों का ऑक्सीकरण कर देता है, दोनों का ऑक्सीकरण कर देता है, जबकि यह हमारा दूसरा क्या है ऑक्सीकारक भाई? Cu डबल पॉजिटिव केवल किसका? Cu डबल पॉजिटिव ने सिर्फ H3PO2 का ही करा, केवल H3PO2 का ही ऑक्सीकरण, तो लिखा ही हुआ का ही ऑक्सीकरण कर पाता है, अतः दोनों की भाई ऑक्सीकारक हैं दोनों,
दोनों की आक्सी कारक क्षमता का क्रम, दोनों की आक्सी कारक क्षमता का क्रम बता दो बस। आपको पता चल गया कि ए जी पॉजिटिव एक अच्छा आक्सी कारक है यहाँ लिख रहे, और इससे कमजोर आक्सी कारक है सी यू डबल पॉजिटिव, बस ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, इन चारों रिएक्शन को इतनी बड़ी बड़ी देख के छोटा सा निष्कर्ष निकला कि भाई ए जी पॉजिटिव भी आक्सी कारक है, सी यू डबल पॉजिटिव भी आक्सी कारक है, पर इन दोनों में से अच्छा आक्सी कारक, दोनों का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ए जी पॉजिटिव इज बेटर देन सी यू डबल पॉजिटिव। ठीक है, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। कितने क्वेश्चन करे हमने आज? आज हमने करे 4 क्वेश्चन करे। ठीक है, 17, 16, 15, 14, 14, 15, 16, 17, ये 17 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा जितने भी हो सकेंगे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आपको एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न सारे आने चाहिए, और पाठ्य निहित प्रश्न भी सारे आने चाहिए, और उदाहरण भी सारे आने चाहिए। जब आप किसी भी यूनिट को थ्योरी में कंप्लीट कर लेते हो ना, तो उसके बाद एनसीईआरटी के उदाहरण, एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न और एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न, इनकी प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए आपको यदि जिंदगी में कुछ करना है। ठीक है, और यदि कुछ नहीं करना, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, करना ना धरना, बस भरना ही भरना, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।